जिंदाबाद जिंदाबाद। राज कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने वन कर्मियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दे चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने वन कर्मियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार अभिषेक पांडे को सौंपा, जिसमें विदिशा जिले के लटेरी, शमशानाबाद, ग्यारसपुर, गंज बसौदा में वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर आए दिन माफियाओं एवं भूमि अतिक्रमणकारियों द्वारा किए जाने वाले प्राणघातक हमलों को लेकर ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि हालात ये हैं कि पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने के लिए भी वन कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इस कारण माफियाओं एवं अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। शासन द्वारा वन अमले को पर्याप्त सुरक्षा के साधन एवं अपराधियों से निपटने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिए जाने के कारण कर्मचारियों में भारी निराशा और लाचारी देखने को मिल रही है। इसी के चलते मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ पठारी अध्यक्ष जगदीश श्रीवास्तव, पवन यादव, निरंजन कुशवाहा, विनोद पंथी सहित अन्य कई कर्मचारी मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। 2023 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शासन भोपाल के नाम से श्रीमान तहसीलदार महोदय कार्यालय तहसील पठारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। विषय है वन कर्मियों पर हो रहे प्राण घातक हमलों को रोकने एवं वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने बाबत। माननीय महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि विदिशा जिले के लटेरी, शमशाबाद, ग्यारसपुर, गंजवासदा में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर आए दिन वन माफियाओं एवं वन भूमि अतिक्रमणकारियों द्वारा प्राण घातक हमले किए जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हेलो सब लोग।